और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूँ चंचल। कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से कैसे बना आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मेहनत और बहुत सारे संघर्ष के साथ कठिनाइयों को हराते हुए अपनी सफलता के परचम लहराते हैं हमारे किसान। और कृषि दर्शन में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे ही सफलता हासिल करने वाले किसानों से। आज भी आपकी मुलाकात करवाएंगे एक प्राकृतिक खेती करने वाले जुझारू किसान से, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में गेहूं और सरसों की MSP पर खरीद 1 अप्रैल से। कृषि को बढ़ावा देने में वनों का महत्वपूर्ण योगदान। सरसों की नई किस्म PM 30 हुई विकसित। और बूंदी क्षेत्र में इस बार टमाटर की बम्पर पैदावार का अनुमान। प्रदेश में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन पंजीयन शुरू किए जाएंगे और 1 अप्रैल से खरीद प्रारंभ होगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया जाएगा। किसान को उपज बेचान के लिए पंजीयन की सुविधा ई मित्र या संबंधित खरीद केंद्र पर उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1 अप्रैल से चना के 621 और सरसों के 621 सहित कुल 1242 क्रय केंद्रों पर खरीद प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर रबी सीजन 2022-23 में भारत सरकार द्वारा राज्य में चना खरीद का 5.97 लाख मीट्रिक टन और सरसों खरीद का 13.03 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन करते समय किसानों को जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गिरदावरी की प्रति पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। किसान को आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन पर पंजीयन करवाना होगा। उन्होंने कहा कि सभी किसान अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करा लें ताकि किसानों को समय रहते तुलाई दिनांक की सूचना प्राप्त हो सके। किसान यह सुनिश्चित करें कि जन आधार कार्ड में अपने बैंक खाते नंबर को अंकित किया है ताकि खाता संख्या और IFSC कोड में कोई विसंगति नहीं रहे, ताकि भुगतान में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि एक मोबाइल नंबर पर एक ही किसान का पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन का कार्य प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक होगा। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर में विश्व वानिकी दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शस्य वानिकी को किसानों के लिए लाभदायक बताया गया। इस अवसर पर कृषि अनुसंधान उपकेंद्र कुम्हेर के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण के लिए पृथ्वी के कुल भूभाग के 1/3 हिस्से पर वनों का होना जरूरी है, जबकि भारत में यह क्षेत्रफल 16.9% है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बढ़ती आबादी की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटा जा रहा है। इसकी पूर्ति शस्य वानिकी या सामाजिक वानिकी के माध्यम से की जा सकती है। उन्होंने बताया कि शस्य वानिकी किसानों के लिए लाभदायक है। शस्य वानिकी में खेती के साथ फलदार, छायादार, इमारती लकड़ी, चारे वाले पौधे लगाए जाते हैं। इसके माध्यम से विकसित हुए अधिकांश क्षेत्र कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुटीर उद्योग, मछली पालन आदि गतिविधियों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके प्रभाव से एक और मिश्रित व्यवसाय का लाभ मिलता है, तो दूसरी ओर वन क्षेत्रफल बढ़ जाने से अतिवृष्टि, सूखा आदि विषम परिस्थितियों के समय भी पर्याप्त रोजगार मिलता रहता है और प्राकृतिक संतुलन स्थापित होता है। उन्होंने बताया कि वनों में मधुमक्खियां, तितलियां और अन्य परागणकारी जीव बसते हैं
और पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा, जैव विविधता और फसल उत्पादन में उनकी अहम भूमिका है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूषा ने सरसों की नई किस्म पीएम 30 विकसित की है। इस किस्म का तेल शरीर को पहले से ज्यादा फायदा देगा। शेखावाटी सहित पूरे राजस्थान में अब ऐसी सरसों की खेती बड़े पैमाने पर होगी जिसका तेल मानव हृदय को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह तेल शरीर को पहले से अधिक पोषण देगा। झुंझुनू के कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर में इसकी खेती शुरू हो गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूषा नई दिल्ली ने सरसों की इस नई किस्म पीएम 30 को विकसित किया है। कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर के मुख्य वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद ने बताया कि परिषद की रिसर्च के अनुसार बाजार में मौजूद अधिकतर सरसों में इरुसिक अम्ल की मात्रा बहुत अधिक है। कई किस्मों में तो इरुसिक अम्ल 40% से अधिक है। इससे मानव के हृदय संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि तेल की यह नई किस्म मानव हृदय के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। आबूसर परिसर में पहली बार 1 एकड़ में इसकी खेती की गई है। उन्होंने बताया कि बीकानेर के निदेशक ए.के. शर्मा ने 28 फरवरी को आबूसर का दौरा कर इस प्रयोग को सफल बताया है। अब जल्दी ही यह किस्म किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी। बूंदी के बड़ा नया गांव में इस बार किसान टमाटर की खेती में विशेष रुझान दिखा रहे हैं, जिससे टमाटर की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। बड़ा नया गांव क्षेत्र में इस बार टमाटर की फसल की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। क्षेत्र के किसान इस बार खेतों में टमाटर की फसल को लगाने में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र में इस बार टमाटर का रकबा बढ़ेगा। किसानों ने पहले से ही बाजार से टमाटर की फसल के उत्तम किस्म के बीज खरीदकर नर्सरी के माध्यम से टमाटर की पौध तैयार की थी, जिसकी किसान इन दिनों मटर की फसल खत्म होने के साथ ही खेतों को तैयार कर टमाटर की फसल लगाने में जुटे हैं। गुड़ा बांध के कृषि पर्यवेक्षक सुरेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि यहाँ के किसानों को टमाटर की आधुनिक खेती से अच्छी पैदावार के साथ आर्थिक मजबूती मिलने लगी है। उन्होंने बताया कि फसल की सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त सुविधा होने के कारण क्षेत्र में इस बार टमाटर की खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है। इससे क्षेत्र में आगामी दिनों में टमाटर की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज आपको लिए चलते हैं ग्राम पन्ना, जिला भरतपुर। यहाँ आपकी मुलाकात करवाएंगे हम जैविक नवाचारी किसान कमल मीणा से, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया और किस तरीके से उन्होंने प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाते हुए सफलता हासिल की है। जानते हैं उनकी कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको समय समय पर हम राजस्थान के प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियां दिखा रहे हैं। आज की हमारी सफलता की कहानी के नायक किसान हैं कमल मीणा। कमल मीणा भरतपुर जिले के वो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना। जब इन्हें परंपरागत खेती में कोई खास लाभ नहीं हुआ तो इन्होंने जैविक खेती से खेती करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आगे बढ़ते गए संकल्प के साथ कि मुझे प्राकृतिक खेती में कुछ नया करना है। मेरा नाम कमल मीणा है। मैं पहले दिल्ली में नौकरी करता था। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन वहाँ के दिल्ली के हालात ऐसे थे कि मेरे बीमारियाँ होगी और मेरे मैडम के भी शुगर, थायराइड और बीपी, ये सारी चीज़ मेरे कोलेस्ट्रॉल हो गया था। तो डॉक्टर ने कही कि ऐसी चीज़ें खाओ ऑर्गेनिक, जिससे आपको इन चीज़ों में फ़ायदा होगा। उसके बाद में हम 4 साल पहले यहाँ पन्ना में आए, तो हमारा ये फार्म था। तो स्टार्टिंग में हमने 2-3 गायें बांधी,
तो उनका हमने दूध घी मक्खन जो भी चीज़ें खाने लगे और ऑर्गेनिक चीज़ें खाने लगे तो मेरे काफ़ी इन चीज़ों का फ़र्क पड़ा और मैडम के भी बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ा, बीमारियां भी एक तरह से ख़त्म सी होगी। उसके बाद में हमने ये ऑर्गेनिक स्टार्ट किया सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती का, तो उसमें हमने गायों को लाके और यहाँ पे ये मूत्र इकट्ठा करने का सिस्टम किया, तो यहाँ से ये मूत्र वहाँ जाता है और फिर वहाँ एक टैंक में इकट्ठा होता है और उसके बाद में हम उसका जीवामृत, घन जीवामृत और पेस्टिसाइड दवाएं जो भी बनाते हैं नीम की पत्तियों से, दसपर्णियक, नीमास्त्र, वो सारी चीज़ें उसके, ये मेन गौमूत्र है। गौमूत्र के बाद में गोबर और चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन गौमूत्र का हमने यहाँ बहुत ही बढ़िया सिस्टम कर रखा है। इसी संकल्प को इन्होंने और अधिक तेज किया जब इन्हें भरतपुर जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। 4 साल पहले कमल सिंह जी और मेरा संपर्क हुआ, इनके साथ में इनकी धर्मपत्नी बिरमा जी भी थी, तो इन्होंने बताया कि साहब दिल्ली में हमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थायराइड की समस्या ने घेरा है और हमें जैविक खेती के बारे में आगे बढ़ना है। तो हमने इनको जैविक खेती के बारे में जानकारी दी, प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाया और उसके बाद जो कमल सिंह जी इस जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़े, तो आगे बढ़ के इन्होंने फिर जो है जिला स्तर पर पुरस्कार ही प्राप्त किया, उससे पहले नहीं रुके। आप देखिए कि इन्होंने फलों के बगीचों की बात करें तो बेर लगा रखे हैं, नींबू लगा रखे हैं, चीकू लगा रखे हैं, आंवला लगा रखे हैं, अमरूद लगा रखे हैं, लगभग भरतपुर जिले में पैदा होने वाले सभी फलों के पौधे इन्होंने लगा रखे हैं। इसी तरह से ये अपने जो है सब्जी की खेती करते हैं, गेहूं की, जो ब्लैक गेहूं जिसको काला गेहूं कहते हैं, बंसी गेहूं कहते हैं, जो देसी पुरानी जो परंपरागत हमारी किस्में हैं उन सबको ये उगा रहे हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो फार्म पे जितना भी आदान, चाहे वो बीज हो, कीटनाशी हो या उर्वरक हो, वो सब का सब देसी और जैविक और प्राकृतिक इस फार्म पे ही ये तैयार करते हैं। गेट के बाहर से एक नए पैसे का भी ये आदान नहीं लेके आते हैं। जितनी भी फसल हैं इनकी, चाहे बगीचे हैं चाहे सब्जी हैं, वो सब की सब इनकी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के रूप में पैदा हो रही है। उसका नतीजा ये निकला कि इन दोनों की जो बीमारियां हैं लगभग वो खत्म हो चुकी हैं और ये जैविक खेती के रूप में भरतपुर जिले में एक रोल मॉडल का ये है, ये अपना स्थान प्ले कर रहे हैं। इनसे हमें एक और फायदा है कि हमारे जो आत्मा के जितने भी भ्रमण और प्रशिक्षण हैं हम उनको यहाँ पर भेजते हैं और उनको ये निःशुल्क बिना किसी इंटरेस्ट के और बिना किसी लोभ लालच के इस रूप में प्रशिक्षण देते हैं कि जैविक खेती का कैसे प्रचार प्रसार हो, प्राकृतिक खेती का कैसे प्रचार प्रसार हो और जो हमारी देसी गायें हैं उनका संरक्षण कैसे हो। कमल मीणा के पास आज बड़ी संख्या में गिर गाय हैं, भैंसे हैं और बकरियां हैं। इनके साथ ही प्राकृतिक खेती का सिलसिला जब इन्होंने शुरू किया तो आज तक इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कमल मीणा जिले के वो जुंझारू युवा किसान हैं जिन्होंने प्राकृतिक खेती में एक मुकाम हासिल किया है। आज जब हम इनके खेत पर जाते हैं तो दिखता है कि क्या नहीं है जो इनके खेत पर नहीं दिखता है, चाहे बात गोबर गैस संयंत्र की हो, चाहे बेर और अनार और अमरूद के बगीचे की हो, चाहे प्राकृतिक खेती के जीवामृत की हो, बीजामृत की हो, हर प्रकार का प्रकल्प यहाँ दिखने को मिलता है। जैविक खेती में सबसे महत्वपूर्ण होता है जीवामृत और घन जीवामृत। उनको हम कैसे बनाते हैं, हमने मूत्र तो वहां से इकट्ठा कर लिया, अब ये सारी चीजें हमारे पास ये रखी हैं, तो उनसे हम आपको जीवामृत बना के दिखाते हैं उनमें क्या क्या डलता है। तो एक तो गोबर होता है, इसमें गोबर 10 किलो गोबर डालते हैं, 200 लीटर का ड्रम होता है, गोबर दो इसको 200 लीटर का ड्रम होता है, उसमें ये 200 लीटर में पानी भर लेते हैं, तो उस पानी में हम इसको घोल देते हैं। 10 किलो गोबर डाल दिया और उसमें 2 किलो बेसन डालते हैं,
बेसन को हम इसमें पहले ये गौमूत्र होता है 5 लीटर गौमूत्र लेते हैं, उसमें ये इसको घोल लेते हैं। 2 किलो बेसन घोल लिया और उसी में हम गुड़ को घोल लेते हैं, तो 2 किलो गुड़ ले लिया। इन सब को घोल के और मिक्स कर लेते हैं। ये सारा मिक्स होने के बाद में ये जब तक मिक्स करते रहते हैं जब तक कि इसकी ये डली या वो बिल्कुल बारीक ना हो जाए, उसके बाद में ये सारा मिक्स हो जाता है। तो हम इसको 200 लीटर का जो ड्रम पानी भरा था उसमें डाल देते हैं। तो इसमें डाल देंगे हम, तो इसमें ये डाल दिया। इसमें ये डाल दिया। डालने के बाद में हम सुबह शाम एक एक मिनट के लिए घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो उससे इसमें जो बेसन होता है वो जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं तो उनको खाने का काम करता है, और जो गुड़ होता है वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं। तो उसमें 1 ग्राम गाय के गोबर में 3 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं जो इसमें मल्टीप्लाई होके अरबों खरबों हो जाते हैं। जब हम इसको खेत में देंगे तो उसकी उपज बहुत बढ़ेगी, और इससे हमने प्रैक्टिकली 4 साल हो गए इनको करते हुए। तो सारा हम इन्हीं से कर रहे हैं, इसी से जीवामृत बनाते हैं, इसी से घन जीवामृत बनाते हैं। घन जीवामृत में केवल 100 किलो गोबर लेते हैं, 10 किलो ये गौमूत्र लेते हैं, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन लेते हैं। वो सॉलिड रूप में होता है, ये घन जीवामृत जो जीवामृत है ये लिक्विड में होता है। इनका पूरा परिवार भी जुटा रहता है कृषि के कार्यों में। इनका खेत प्राकृतिक खेती का एक बहुत ही आदर्श खेत है, जिन्हें देखने के लिए कृषि वैज्ञानिक भी आते रहते हैं। कृषि अधिकारियों का भरपूर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं कमल मीणा। गाय के गोबर को एक जगह इकट्ठा करना, गाय के गौमूत्र को एक जगह इकट्ठा करना, और इसके साथ ही जीवामृत और बीजामृत का निर्माण करना, यह सब कुछ दिखता है कमल मीणा के खेत पर। आज अपने खेत में कमल मीणा प्राकृतिक खेती का ही स्प्रे करते हैं और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करते हैं। मेरा नाम बिरमा है, और ये पना गांव में मेरा फार्म है। मैं गाय भी पालती हूँ और उन्हें खेती भी करती हूँ। ये गाय से मैं खाद बीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती, गोबर से और मूत्र से सारी खेती में गाय से ही करती हूँ। उसका गाय का मैं घी बनाती हूँ और गाय को खिलाते हैं हम चुकंदर, गन्ना, गाजर, ये सारी चीज़ें हम गाय को खिलाते हैं और उसका हम घी बनाते हैं। जीवामृत हम बनाते हैं जैसे गुड़े, बेसणे और गाय का मूत्र, उसको एक ड्रम में डाल देते हैं और उसको पानी में घोड़ के और रोजाना 8 दिन उसको एक साइड में ही घुमाते हैं। 8 दिन में तैयार हो जाता है जीवामृत, उसको पानी के साथ दे देते हैं। महिलाओं को खेती में आगे आना चाहिए और गाय पालनी चाहिए, उसके लिए खेती के लिए खाद के लिए गाय जरूरी है। अगर जैविक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो खाद और गौमूत्र जरूरी है। गाय पालेंगे तो उसी से आप भी जैविक खेती हो जाएगी। किसान भाइयों, कमल मीणा की राह पर चलकर आप भी प्राकृतिक खेती में एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है संयम और धैर्य की। कमल मीणा ने इन्हीं सब बातों का तो ध्यान रखा, और देखते ही देखते आज राजस्थान के एक प्रगतिशील प्राकृतिक खेती के किसान बनकर उभर गए। हमारे दूसरे किसानों को भी चाहिए कि वो कमल मीणा की राह पर चलें और प्राकृतिक खेती में कुछ नया करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में कमल मीणा की कहानी को देखकर आप भी प्रेरित जरूर हुए होंगे और आप प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ाएंगे, दूसरों के लिए प्रेरक बनेंगे। आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर।
आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और अब इसी के साथ आज कार्यक्रम में जानकारियां बस इतनी ही। आपके लिए नई जानकारियां लेकर फिर से हाजिर होंगे। अभी दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल धर।